इस समय दिल्ली और दिल्ली वाले एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। यमुना उफान पे है, निचले इलाकों में जो लोग रह रहे थे उनके घरों में पानी भर गया है। उन लोगों को रेस्क्यू करके ऊपर सड़कों पे तो ले आया गया है, लेकिन उनके रहने के कोई पुख्ता इंतज़ाम इस समय यहाँ पे नहीं किए गए हैं। हम ऐसे ही एक कैंप में मौजूद है, इसे कैंप भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो ये टेंट है इन लोगों ने खुद से लगाया है। मयूर विहार का ये इलाका है जहाँ पे जो लोग हैं जो नीचे रह रहे थे वो अपना जो सामान ला सकते थे वो सामान लेके सड़कों में इस समय रहने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि खाट यहाँ पे है, एक किचन का थोड़ा बहुत सामान है जो लोग थोड़ा बहुत अपने लिए यहाँ पे खाना बना सकते हैं। गैस सिलेंडर यहाँ पे रखा गया है और पन्नी से इस पूरे सामान को ढका गया है क्योंकि इस समय दिल्ली में लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। एक तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, एक छोटा बच्चा जो है वो इस समय लेटा हुआ है एक खाट पे। कुछ इंतज़ाम किए गए हैं कि थोड़ी राहत इस बच्चे को इस समय यहाँ पे मिल सके, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिली है, क्या इंतज़ाम किए गए हैं वो जानेंगे हम इन राहत शिविर में रह रहे लोगों से। आपका क्या नाम है और आप कहाँ रह रहे थे? मैं जमुना खादर में यहाँ रहे थे और पानी भर गया तो इसलिए हम ऊपर आ गए, पुलिस वालों ने बोला तो इसलिए ऊपर आना पड़ा। फिर उसके लिए इन लोगों ने अभी टेंट भी नहीं लगाया तो हमने पन्नी फिर मंगाई, जब बारिश हो रही थी उस चक्कर में फिर मंगाना पड़ा। थोड़ा बहुत सामान जो हम निकाल पाए हैं तो वो भी भीग जाता तो क्या फायदा। क्या क्या सामान आपका वहाँ पे रह गया? वहाँ पे तो बहुत सामान रह गया, जैसे कपड़े लित्ते हो गए थोड़े बहुत, और हाँ आधा सामान तो रह गया हमारा, जो हम खाने पीने का जो ले आ सकते थे थोड़ा बहुत वो तो ले आए हम। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? वे ऐसे कैसे बता सकते कितने का नुकसान हुआ होगा, लेकिन फिर भी आधा सामान हम ले आए। मतलब वहाँ से इतना एकदम से पानी आ गया ना तो आपको निकालने के लिए कोई आई प्रशासन की तरफ से मदद आई या खुद आपने? खुद नहीं, खुद हमारे पास वो रेडी थी ना, उससे हम लोग सामान भर के तब निकले हैं वहाँ से। पूरी रात ढोया हमने सामान तब हम निकल पाए वहाँ से, नहीं तो हम सुबह जुगर सो जाते तो फिर वहीं दब जाते अंदर ही पानी में। कितने बच्चे हैं आपके साथ? दो बच्चे हैं मेरे। कितने छोटे हैं? एक 7 साल की है, एक 6 महीने का। 6 महीने का बच्चा इस समय दिल्ली की सड़क पे रहने को मजबूर है। और इतनी आप गर्मी भी लगती है, धूप भी लगती है, तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है इसलिए रह रहे हैं। खाने की कोई व्यवस्था आपको प्रशासन की तरफ से मिली है क्या? यहाँ पे लगातार खाना आ रहा है। शौचालय की कोई व्यवस्था है? शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है और पानी तो सुबह भी आ जाता है शाम को भी आ जाता है। खाना अब ये आ रहा है गुरुद्वारा से, खाना भी नहीं आता यहाँ तो सरकार द्वारा मुझे लगता है, लेकिन ये गुरुद्वारा वाले जो बाबा जी का भंडारा जो होता है वो ही आता, वो आया है। अब तब तक थोड़ा बहुत हम बना के खा लेते हैं, इतने टाइम तक कौन भूखा रहेगा। इसलिए सरकार लगातार दावे कर रही है कि राहत शिविरों के लिए स्कूलों को खाली कराया जाएगा। डीएम्स को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि हर राहत शिविर में एक शौचालय की व्यवस्था की जाए, लेकिन तस्वीरें उसके विपरीत हैं। लोग बुरी हालत में दिल्ली के सड़कों पर रहने के लिए इस समय मजबूर हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अनामिका गौर, आज तक।